मैंने पहले भी काम किए, आगे भी मैं काम करता रहूंगा। नमस्कार, मैं अमित चौधरी, आप देख रहे हैं राज टीवी। या जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नगर में चुनाव इधर शुरू हो चुका है, जहाँ पहले 26 वोट चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं वोट नंबर 3 में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज उम्मीदवार गोपाल अत्री जी से। उनका क्या कुछ कहना है, किन किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हैं, आइए चलिए बात करते हैं। सर हेलीकॉप्टर, पहले तो आपके चैनल को नमस्कार और बापू धाम की सभी जनता को मेरा नमस्कार। आज मुझे आजाद उम्मीदवार होने का बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये टिकट जो है वो मुझे बापू धाम की जनता ने दी है। बापू धाम का विश्वास मेरे साथ हुआ है। आज जितना भी विश्वास है ये सारा बापू धाम का है। मुझे पूरा विश्वास है कि बापू धाम की जनता मुझे सपोर्ट करेगी, वोट देगी। मेरे जो मुद्दे हैं जहाँ शिक्षा को लेकर के हैं, रोजगार को लेकर के हैं, साफ सफाई को लेकर के हैं, एनवायरमेंट को लेकर के हैं, इस तरीके के मेरे मुद्दे रहेंगे। अगर आप सत्ता में आते हैं तो देखिए, शिक्षा का हमारा पहला मुद्दा रहेगा। शिक्षा को बड़े ही सुचारू रूप से डेवलपमेंट करवाएंगे। जो हमारे कॉलोनी के कुछ बच्चों को शिक्षा अधूरी मिलती है उनको भी शिक्षा पूरी करवाएंगे। अगर बात करें देखिए, ये तो मैंने तो एक नारा दिया है बापू धाम के लोगों को कि वादे आप कीजिए पूरा मैं करूँगा, वादे आप कीजिए पूरा मैं करूँगा। तो मेरे जो वादे रहे, मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे जो बापू धाम के लोग वादे देंगे मैं उनको पूरा करूँगा। मैं पहले भी पार्षद था और आज सिर्फ मतों से, लोगों के क्या वोट से मैं पार्षद बनना चाहता हूँ। मैं पहले भी लोगों के काम करता रहा हूँ, एडमिशन करवाना, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब का सोशल जितनी भी एक्टिविटी रही है मैं वो सब करता रहा हूँ। मेरा बापू धाम की सभी वासियों से निवेदन है कि बापू धाम की जनता जानती है कि मैं कोई चुनाव के लिए कोई वादा नहीं किया, कोई काम नहीं किया। इससे पहले मैंने बापू धाम की जनता का काम किया है और करते रहेंगे। मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि जिसको भी इस बार चुने, सोच समझ करके चुने, एक ईमानदार सोशल सर्विस वाला समाज सेवक चुने, ना कि कोई नेता चुने जो वादे करता है। पहले तो कहता है कि मैं आपके सारे वादे पूरे करूंगा और बाद में जनता को कहता है कि आपको, आपसे मुझे वोट नहीं मिली, मुझे यहाँ से वोट नहीं मिली, मैं आपका काम कैसे करूँ। मैंने पहले भी काम किए, आगे भी मैं काम करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना है ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।